हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। और आज का जो व्लॉग है वो टर्टल्स के बारे में है। हम लोग टर्टल का एक्वेरियम का सेटअप का तो जो चीज़ें ज़रूरी है मैंने ट्राई किया कि मैं उनको कवर कर लूँ। और ये मॉर्निंग का टाइम है मेरे खरगोशों का। मैंने हमेशा बोला है कि मॉर्निंग का टाइम फ्रूट का टाइम होता है, तो ये हम इनको फ्रूट्स ही दे रहे हैं। और ये सारे के सारे ऐसे ही झपटते हैं जब इनको देने भी नहीं देते हैं। लेकिन हाँ, इतना सारा है ना, आपको लग रहा होगा कम पड़ जाएगा, लेकिन ऐसा नहीं है। फ्रूट्स में ये रैबिट वैसे ही बहुत कम खाते हैं, ये थोड़ा थोड़ा खाएंगी और अपना दूर हो जाएंगी। तो इससे क्या होगा कि सबको थोड़ा थोड़ा मिल जाएगा। ये देखो इस तरीके से। हाँ जी, कहाँ चल दी आप, कहाँ जाना है आपको? कैमरे के एंगल में आओ, गुड गर्ल। ऐसी भी रिकॉर्डिंग करवानी है आपको, ओके, ताकि लोगों को पता चले मेरी बातचीत ठीक कितनी जल्दी हो जाती है। मेरी प्यारी बाची है ना, मेरी नूनी बाची। ओके 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 ओके। नीनो 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 आ आ आ आ आ आ पुचू 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 पुचू। अरे बाप ले बाप। ये है काली के आज का स्टेटस। और इसका मैंने वेट को दिखा लिया है, उन्होंने मेडिसिंस भी लिख के दे दी है। और कल से इसकी मेडिसिंस ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। इम्प्रूवमेंट तो कोई नहीं है, लेकिन ये दिन पर दिन और वीक होती जा रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है इसको क्या हुआ है। बाकी देखो क्या होता है, अब न्यू मेडिसिन इसकी सारी स्टार्ट हुई है। ये लो ना तुम्हारा गिफ्ट है। ये तुमने तीन खरगोशों की इतनी देखभाल करी ना, उसको थैंक यू गिफ्ट है ये। फाड़ के देखे? हाँ। दे दे कैसे? जो तीन खरगोश बीमार थे ना, उनके लिए तुमने दिवाली का दिवाली का नहीं, उसका गिफ्ट है। दिवाली का बाद में लेना। नहीं, ये दिवाली का है। थैले की बात मत करो, ये सब बात की तो बात है। मेन तो थैला है। तुम बिना डब्बा मुझे दे के जाओगे, मैं खरगोश के बच्चे रखूंगी। जो तो अच्छे लग रहे थे। पहन के देखो, बड़े नहीं है। आ जाएगा। कोई नहीं, एक्सचेंज करा लेंगे, दिक्कत होगी तो। उसको आगे से लेस वो करो, लूज। अजय नू भी आई है। दोनों पैर पहन के जाओ। तो गाइस ये रे मेरे चंगू मंगू। और इसको मैं तीन दिन से ढूंढ रही हूँ। ये मेरे पापा ने दिया था मम्मी को देने के लिए, ये पैर में पहनने वाला। और ये एक्वेरियम के अंदर गिर गया, क्योंकि एक्वेरियम के ऊपर रखा था मैंने और मुझे मिल ही नहीं रहा इतने दिनों से। ये मेरे चंगू मंगू है दोनों। और ये हमारा एक्वेरियम है छोटे वाला। तो मेरे फिशेज का एक्वेरियम अलग है, ये मेरे टर्टल्स का एक्वेरियम है। आज की वीडियो में मैं शेयर करूंगी कि टर्टल टैंक में किन किन चीज़ों की नीड होती है। और मतलब इसमें सब कुछ है इस टैंक में, पर ये छोटा है। इनके हिसाब से आपको हमेशा बड़ा टैंक लेना पड़ेगा, क्योंकि मेरे टर्टल बड़े हो गए और मेरा घर इतना छोटा है कि मेरे पास अभी बड़ा टैंक रखने की जगह नहीं है। हम दिवाली के बाद सेटअप करेंगे इनका। तो एज ऑफ नाउ मैं इसी टैंक में दिखा देती हूँ, लेकिन छोटा है, लेकिन इसमें सारी चीज़ें अवेलेबल है जो कि एक रिक्वायर्ड होती है टर्टल को रखने के लिए। तो इसके साथ मैं आपको दिखाती हूँ। ये मेरे चंगू मंगू। चंगू मंगू अभी खाना खा चुके हैं ना, ये तो भाव नहीं देंगे। अगर इन्होंने खाना नहीं खाया होता ना तो ये भाव देते हैं, अदरवाइज ये बिल्कुल भाव नहीं देंगे। ये बिल्कुल खरगोशों की तरह ही है। हाय चंगू, हाय। अभी इसको फ्लैश दिख रहा है ना, इसलिए ये भाव नहीं दे रहा अभी, क्योंकि फ़ोन के कैमरा में फ्लैश चल रही है। सबसे पहली चीज़ होती है फ़िल्टर।
आपको हमेशा टॉप फिल्टर लेना चाहिए, वो बहुत ज़रूरी है किसी भी टैंक के लिए। आपका चाहे एक्वेरियम छोटा हो, बड़ा हो, फिशिस का हो, किसी का भी हो, आपको हमेशा टॉप फिल्टर लेना चाहिए। अकॉर्डिंग टू द साइज आपको लेना है, ये नहीं कि अगर आपका छोटा एक्वेरियम है और आप बहुत बड़े वाला फिल्टर यूज़ कर रहे हो। साइज़ के अकॉर्डिंग आता है जो होता है फिल्टर, उसकी डिटेल्स मैं आपको साथ वीडियो में शेयर कर दूंगी, या फिर अगर आपको जानना है तो इंस्टाग्राम पे @petaholicgirl पे आप मुझसे पूछ सकते हैं अपने एक्वेरियम का साइज देके कि कौन सा, मतलब कौन से वॉट का आपका ये लगेगा फिल्टर, तो आप मुझसे ये पूछ सकते हैं। इसको टॉप फिल्टर बोलते हैं, यानी कि जो इसका फिल्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो ऊपर होता है, ठीक है, और जो जो बॉटम फिल्टर्स होते हैं उसमें नीचे ही स्पॉन्ज वगैरह लगे होते हैं, बट वो क्या होता है ना कि लाइक अंदर ही क्लीन कर रहा है तो थोड़ा सा मतलब मैसी रहता ही है हमेशा एक्वेरियम। अब आप सोच रहे होंगे कि मतलब अगर टैंक छोटा और बड़ा फिल्टर लाएंगे तो जल्दी क्लीन करेगा, ज़्यादा क्लीन करेगा, लेकिन जो प्रेशर इसमें बिल्ड होता है, जो कि ये लाइक मतलब इसमें जो प्रेशर बिल्ड होता है जिससे कि इसके अंदर लाइक बबल्स टाइप निकलते हैं जो कि ऑक्सीजन का भी काम करते हैं, मैं आपको शो करती हूँ एक सेकेंड। जो ये प्रेशर है ना पानी पे, ये प्रेशर इतना तेज हो जाएगा, ये ऐसा प्रेशर आता है। अगर आप ज़्यादा प्रेशर का ये यूज़ करोगे हाई वोल्टेज वाला, तो जो इसके अंदर बबल्स बिल्ड होते हैं, जो प्रेशर बिल्ड होता है, वो इसको यहाँ पे अगर आपका टर्टल बैठा है या फिशेस बैठी है तो ये क्या करेगा, इनको यहाँ से फेंक के मारेगा इसके ऊपर, तो बहुत तेज लगेगा, इनको बार बार टकराएंगे इसके ऊपर, इनको यहाँ पे सांस लेने में दिक्कत हो जाएगी, आपका जो मतलब जो भी इसमें फिशेस है या टर्टल है वो हमेशा स्ट्रगल ही करते रहेंगे। तो इसीलिए हमेशा एक्वेरियम के साइज का ही फिल्टर लेना चाहिए। उसके बाद ये है, ये इनकी लाइट है, इसको यूवी लाइट बोलते हैं, ये यूवी लाइट्स है इनकी, जो कि मतलब लाइटिंग के काम आती है ऑब्वियसली। और उसके बाद अंदर जो ये आप देख रहे हो, ये इनका 100 वॉट का है, ये पानी गर्म करने के लिए होता है। अभी थोड़ा सा टेम्परेचर जो है दिल्ली में हाई हो गया है, तो हम विंटर्स में इसको यूज़ करते हैं, और टर्टल्स को इसकी बहुत ज़रूरत होती है, बिकॉज जो टर्टल है हमारे वो कोल्ड ब्लडेड होते हैं, वो अपना जो मतलब बॉडी टेम्परेचर होता है उसको अपने आप चेंज नहीं कर सकते, इसीलिए आपको इसकी रिक्वायरमेंट होती है। और आपको और उसके बाद जो हमारा नेक्स्ट है वो है ये स्टोन्स जो आप देख रहे हैं, ये स्टोन्स आपका होना ज़रूरी है। आप हमेशा स्टोन्स यूज़ कीजिए, ग्रेवल यूज़ मत कीजिए अपने पानी को, मतलब लाइक पानी के अंदर, उसकी वजह से क्या होता है ना कि हमेशा जो पानी होता है ना उसके अंदर एक फॉग टाइप रहता है, और जो इसके अंदर होता है, हमने देखो टेम्परेचर सेट किया हुआ है हमारी कंट्री मतलब स्टेट के अकॉर्डिंग, मैंने 26-28 इसको सेट कर रखा है, तो हमेशा इसका जो पानी का टेम्परेचर है उतना ही रहेगा, ठीक है। और जो ये ब्लैक ब्लैक बॉल्स आप देखते हैं, ये क्या होता है, ये मतलब लाइक गुड बैक्टीरिया जनरेट करने के लिए होता है। अगर आपका एक्वेरियम का जो मतलब साइज़ बड़ा होता है तो आप इसको अपने टॉप फिल्टर में डाल सकते हैं, लेकिन मेरा एक्वेरियम छोटा है तो मैंने इसमें डाल दिया, इससे क्या मेरे टर्टल्स इसमें थोड़ा खेल भी लेते हैं, तो इस उनके काम आ जाता है। द लास्ट वन ऑफ द मोस्ट नीडेड थिंग है ये आपका बास्किंग एरिया, ये बहुत ज़रूरी है टर्टल के टैंक में, क्योंकि ऑब्वियसली मैंने आपको पहले बताया कि वो अपना बॉडी टेम्परेचर चेंज नहीं कर सकते और फुल टाइम वो पानी में नहीं रहते हैं। लोगों को लगता है कि जो रेड ईयर स्लाइडर होता है वो 24 घंटा पानी में रहता है, ऐसा नहीं होता है, उनको बास्किंग के लिए एक एरिया चाहिए, तो ये उसके लिए ज़रूरी है। का क्या यूज़ होता है, लाइक हमारे जो टर्टल्स होते हैं ना इस पर बास्किंग करते हैं, बैठ के सनलाइट लेते हैं। अब आप सोचोगे सनलाइट कैसे लेते हैं, हम एक आर्टिफिशियल सनलाइट यहाँ पे लगाते हैं टॉप पे, इधर से ऊपर जो इसका ढक्कन होता है उसके अंदर, मैं आपको शो करती हूँ, ये होती है वो आर्टिफिशियल सनलाइट, ये वाली, और जो इसके अंदर हीट है ना वो मतलब ये जो लाइट है ना इसके अंदर हीट है, ये थोड़ी सी इसका टेम्परेचर होता है गर्म, तो ये ऐसा होता है, जो इसका कॉर्नर होता है इस लाइट का, ये सब चीज़ें जो होती है ये चीनी मिट्टी की बनी होती है ताकि जल्दी ख़राब ना हो, और ये वाली लाइट आपको यूज़ करनी पड़ेगी हमेशा बास्किंग के लिए, अपने टर्टल्स को देना चाहिए, और यहाँ से हीट जनरेट होती है और हमारे टर्टल यहाँ पे बैठते हैं। ये बहुत ज़रूरी है आपके टर्टल की ग्रोथ के लिए, उनके कैल्शियम के लिए और उनके मल्टीविटामिन्स के लिए, आपको ये बहुत ज़रूरी है। जितना ज़्यादा उनको बास्किंग का टाइम मिलेगा उतना अच्छा उनका शेल डेवलप होगा, और जितना अच्छा आपका टर्टल का शेल है उतना हेल्दी टर्टल आपका होगा।
ये है बास्किंग एरिया, तो ये बहुत जरूरी है। चोटू लग जाएगा फिर से आपको, चोटू लगा था ना उस दिन। मैं अपने टर्टल्स को ना कभी भी ज्यादा होल्ड नहीं करती, ज्यादा इनको परेशान नहीं करती, बिकॉज ये बहुत जरूरी है कि हम इनको किस तरीके से रख रहे हैं। इनको हमेशा आपको हैंड टिम्ड बनाना पड़ेगा और आपको कोशिश करनी है कि आपका टर्टल कभी भी आपसे डरे नहीं, जैसे कि ये डर नहीं रहा है। ये इतना एक्टिव है कि अपने आप को छुड़ा सकता है मुझसे और आराम से इसको जहाँ जाना है ये जा सकता है। तो मेरे टर्टल्स तो इसी तरीके से है, जितना अच्छे से आप उनको रखोगे, जितना अच्छा खाना दोगे, उतना अच्छा इनका शेल डेवलप होगा और ये उतने ही अच्छे होंगे। जितना जरूरी है इनके लिए बास्किंग एरिया, और बास्किंग का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ आपको इनको आर्टिफिशियल सनलाइट ही देनी है, जो नॉर्मल सनलाइट होती है जो हम लोगों के लिए ज़रूरी है वो इनके लिए भी ज़रूरी है। तो आपको हमेशा इनको निकालना होगा। और किस तरीके से इनकी बाकी की टेक केयर होती है, कैल्शियम की नीड हम कैसे पूरी करते हैं, इसके लिए मैं आगे की वीडियोज़ में शेयर करूँगी। सो दैट इज़ इट फॉर टुडे। अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं इनका कैल्शियम का और मल्टीविटामिन का रूटीन शेयर करूँगी। सो आई होप इट विल बी हेल्पफुल फॉर यू। और मेरी से थोड़ी सी तबीयत ख़राब है तो मेरी आवाज़ इसी तरीके से आएगी अभी 2-4 दिन, क्योंकि पोल्यूशन मुझे दिल्ली का बिल्कुल सूट नहीं करता। और बस दैट इज़ इट फॉर टुडे। ओके बाय।